मॉर्निंग। तो फाइनली मैंने सोचा है क्यों ना ब्लॉग बनाना जारी रखा जाए। और मेरा ब्लॉग बेस्ट रहेगा मेरे एक्सरसाइज के ऊपर, मेरे एडवेंचर के ऊपर एंड मेरी जर्नी के ऊपर, मेरे वर्क के ऊपर। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह इस माहौल में बादल वाले, बादल पूरा गिरा हुआ है, आज बारिश का माहौल है इन गोरखपुर में जा रहा हूँ। दो चार दिन बाद मैं सिक्किम जा रहा हूँ दोस्त, नया अपडेट है, सिक्किम जा रहा हूँ दो चार दिन बाद। तो सिक्किम जाने के बाद वहाँ से स्की करने, वो एडवेंचर वाला वीडियो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तब तक बने रहो यार, खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। आज जल्दी से 1 मिलियन भी करवा दो इसी बोरिंग वीडियो पर। बोला था ना बारिश होगी, ये देख लो अभी एक्सरसाइज करके वापस जा रहा हूँ। साला जल्दी से भाग भी नहीं सकते हैं, मोटर गार्ड है रे। तो देखो आप, कलाकारी जबरदस्त दिखा रहा है ये अपना। कोई फायदा नहीं ऐसी साइकिल लेने का यहाँ शहर के लिए, ये सब पहाड़ों में ही ठीक है ये साइकिल, माउंटेन बाइक। दोस्त जैसा कि आप जानते हैं आज 14 फरवरी है और आज हमारी माता सरस्वती जी का पूजा का दिन है। तो पहले हम पूजा करेंगे और दूसरा जैसा कि आप जानते हैं आज ब्लैक डे भी है 14 फरवरी को, उसके लिए मैं भी आगे कुछ बताऊंगा कि मैं अपने द्वारा कुछ करना चाहता हूं, स्पेशली हमारे वीर सपूतों के लिए, उनके घर के लिए। और तीसरा आज वैलेंटाइन डे है जिसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करना है। तो पहले माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इधर अपना काम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कल का एक एक्सपीरियंस बताऊं थोड़ा सा। दरअसल एक व्यक्ति हैं, पता नहीं वो मेरे से क्यों चिढ़ते हैं इतना, मेरे को पता नहीं था। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों के साथ मिलकर बात कर रहे थे, तो मैं कार्यक्रम में बहुत ही नॉर्मल ड्रेस अपना वही पहन कर गया था, ट्रैक वाला ही। तो मैंने उनको देखा, नज़र से नज़र हम दोनों की मिली, मैंने नमस्ते किया तो उन्होंने ना सीधे इग्नोर कर दिया। यार मेरे को बहुत अजीब लगा। फिर कुछ टाइम बाद स्टेज पर हमको बुलाया गया, स्टेज पर गया तो एक बड़े पॉलिटिशियन व्यक्ति थे, तो स्टेज पर ना मेरा सबसे परिचय कराने लगे। तो उस व्यक्ति से भी मेरा परिचय कराए और बोले कि देखिए अपना ही छोटा भाई है, देखिए कितना आगे निकल गया, क्या क्या कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग मिले हैं पहले से। तो पता है मैंने क्या बोला, सर भैया आप कौन, मैं आपको नहीं जानता। मैंने ऐसे ही बोला, भैया मिले हैं क्या पहले कभी, मैं आपको जानता नहीं। मतलब जो आपको इग्नोर करे ना उसको सीधे आप पहचानने से मना कर दो, ये आज की सच्चाई है और होनी भी चाहिए। तब से ना दिल में थोड़ी सी है अंदर संतुष्टि है, लेकिन वो उनका इग्नोर करना ना उस समय तक जब तक मैंने पहचानने से मना नहीं किया था उसके पहले तक बहुत खल रहा था। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, शायद अब उनको खल रहा होगा ये चीज। होता है ईंट का जवाब पत्थर से, और ही नियम भी है शायद। दोस्त आज के ट्रेडिंग में मैं दिखाऊं, वैसे शॉर्ट में ही दिखा दे रहा हूँ, मतलब आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। कसम से जो पैसे वैसे लगाए होगा ना, बड़ा मस्त आज निकला था, बहुत मस्त मार्केट था। मैं तो डर के पैसे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि पैसे बड़े, मतलब बड़े मुश्किल से आए हैं मेरे पास, इतना मुश्किल से आए हैं ना कि डरता हूँ लगाने को, हार्ट बीट ही मेरा बढ़ जाता है। हाँ लेकिन आज एक्सपायरी था और जो मैं लगाता था उस पर एकदम एक्यूरेट लाइक सही एकदम वर्क करता था। आज पैसे रहे होते ना तो अच्छा खासा यहाँ से निकाला होता, मतलब पैसे तो थे लेकिन अगर लगाया होता तो।
अगर पैसे नुकसान होते जो रियल लाइफ के पैसे जाते हैं ना 100, 50, 150, 200 तो ये धक 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 करता है। हाँ उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और जब आता है ना वो भी जैसे जैसे बढ़ने लगा अकाउंट से 500, 600, 700 ऐसे प्रॉफिट जाने लगा ना तुरंत एग्जिट भी हो कर देते हैं कि नुकसान ना जाए। ऐसा होता है भाई ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन में। और इस तरीके से दोस्तों फाइनली अपने जिंदगी से एक दिन का और समय खत्म करते हुए, और आज के इस दिन का कोई वैल्यू नहीं था, कुछ भी आउटपुट नहीं था। शायद पता है क्या होता, अगर मैं बुढ़ा होता ना तो और हॉस्पिटल में होता तो इस एक दिन के बचने के लिए मैं लाखों, मैं नहीं मेरे बच्चे या फिर कोई पैसे बहुत लगाते, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। मैं भी शायद अगर हॉस्पिटल में रहता एक दिन और बचने के लिए, और हम इधर एक एक दिन ऐसे ही खत्म कर दे रहे हैं फ्री फोकट में। करोड़ों की जिंदगी है यार। गुड नाइट।